कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार माना गया है वैक्सीन को। देश की राजधानी समेत कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत की बात सामने आ रही है, लेकिन इन तमाम दिक्कतों के बीच एक खुशी की बात, एक राहत देती तस्वीर ये भी है जो हम आपको अपने कैमरे के जरिए दिखा रहे हैं। ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का एक वैक्सीनेशन सेंटर है जिसे खास तैयार किया गया है उन लोगों के लिए जो रैन बसेरों में रहते हैं, बेघर हैं, दिव्यांग हैं और उनके पास उस तरह से साधन नहीं है जाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तक, या जिनके पास पहचान पत्र नहीं है वो किस तरह से अपना वैक्सीनेशन कराएंगे। इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए ये दिल्ली का पहला जिला है जहां पर इस तरह का खास वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। और ये जो लोग हैं ये दरअसल वो लोग हैं जो रैन बसेरों में रहते हैं या जिनके पास अपने पहचान पत्र नहीं है, इनसे भी बात करते हैं। अपना नाम बताइए। शिव कुमार। शिव कुमार जी, टीका लग गया आपको? टीका लग चुका। ये बताइए, आपके पास पहचान पत्र था, कहाँ रहते हैं आप? मैं रैन बसेरे में, दिल्ली गवर्नमेंट के नेट सेल्टर में। फिलहाल कोई आईडी प्रूफ नहीं है हमारे पास, और भी हैं मेरे साथी, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट हमारे लिए सुविधा करी, वेरी वेरी थैंक्स फॉर योर केजरीवाल जी। टीका लग चुका, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की भी। जैसे वैक्सीन सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई टीका लगवा लिया जाए, लेकिन आप लोग के पास पहचान पत्र नहीं था तो आपके मन में शंका थी कि आप लोग सुरक्षित नहीं है कोरोना से? नहीं, शंका तो नहीं थी, लेकिन एक अभिलाषा थी कि लगाना चाहिए टीका। ये बीमारी फैली हुई है, महामारी है, दिल्ली गवर्नमेंट उपचार कर रही है तो सबको फायदा मिलना चाहिए, लेना भी चाहिए इंसान को फायदा। तो कैसे आप लोग आप यहाँ पर फिर पहुँचे, किस तरीके से आपको टीका लगवाया गया? कुछ स्टाफ के हैं, उन्होंने जाके बताया था कि यहाँ सेंटर खुल चुका है दिल्ली गवर्नमेंट से, आप आके इंजेक्शन लगवा लो। और सब अलग अलग काउंटर हैं जिन पर आईडी प्रूफ नहीं है, उनको भी एडवाइस कर रहे हैं, लगा भी रहे हैं, जिनके आईडी हैं उनको भी दे रहे हैं। अच्छा, मतलब सब तरीके से अगर ऐसे बात की जाए तो लोगों को एक टीम भी है जो बुलाने जाती है, उनको लेकर आती है और फिर टीका का यहाँ पर जो सेंटर बनाया गया है वहाँ पर ये पूरा काम चलता है। अपना नाम बताइएगा। साहिब नाम है मेरा। कितनी उम्र है आप? 30। अच्छा, 30 साल। आप भी रैन बसेरे में रहते हैं? जी हाँ। आपको कौन लेकर आया यहाँ टीका लगवाने के लिए? 2-4 लोग लाए थे, राय दे के हमें अगर लगवाओ। आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं टीका लग गया? हाँ। यहाँ पर दरअसल आपको बताएं कुछ संस्थाएं काम करती हैं जो आसपास के लोगों को लेकर आ रही हैं, जिन्होंने इस पहल में प्रशासन के साथ सहयोग भी दिया है। विनोद जैन हमारे साथ हैं जो इस तरह से लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं यहाँ पर टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विनोद जी, ये बताइए, इन लोग के पास पहचान पत्र नहीं है तो आप लोग किस तरह से मदद कर रहे हैं और कैसे इन लोग को इकट्ठा करते हैं? जैसे ही हमें पता चला कि 6 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए कि किसी के पास आईडी प्रूफ नहीं है तो उनके सबके टीके लगाए जाएंगे, तो हमारे संपर्क में हमारे कुछ साधु संत भी आए, कुछ रैन बसेरे लोग हैं, कुछ खादम लोग हैं, काफ़ी लोग हैंगे या लोहार वोहार हैं, इनके पास नहीं आईडी प्रूफ नहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं, तो हमें लगा कि इनके लिए करना चाहिए, तो हमने इनके लिए करा। कल हमने यहाँ पे साधु संतों को लगवाया, आज कुछ रैन बसेरे के लोग हैं, इन्हें लग रहा है, कल भी लगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जैसे जैसे जो जो हमारे संपर्क में आते रहे हम सबको लाते रहेंगे, यहाँ पे हमारी संस्था काम कर रही है यहाँ पे लाने के लिए। जैसे इनके पास आईडी प्रूफ नहीं है तो फिर आप लोग उसकी व्यवस्था कैसे करें, किस तरह से लगवाएं? जैसे मेरी आईडी से लग गए, हमारे दूसरे की आईडी से लग गए, 2-3 आईडी से हमने कल सबको लगवा दिया और आज भी लग रहे हैं, ये काम चलता रहेगा। मतलब जो ये दावा करे कि भाई हम इसको जानते हैं, ये इस जगह पर रह रहे हैं, हाँ। और हमारी पहचान पर इनको टीका लगा है। हाँ, जैसे रैन बसेरे वाले जैसे जो इंचार्ज है उनसे सबसे बात की हमने, उनसे बात करने वाले उन्होंने कहा ये लोग हम इन्हें लेके आ गए और आज भी लेके आए, आज भी इन्हें लगना है, लगना है। आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? रमनदीप सिंह जी। रमनदीप, कब से रह रहे हैं रैन बसेरे में? मैंने 1 साल हो गया जी। अच्छा, क्या कुछ काम करते हैं? हाँ जी, डेंटिंग पेंटिंग का काम करता हूँ। अभी काम बंद है आपका? बंद है ही काम, रैन बसेरा पे रहते हैं। अच्छा, तो आपके पास कोई पहचान पत्र नहीं, आधार वगैरह? गुम हो गए थे, खो गए है क्या तो था, पर गुम हो गए, पर इस टाइम नहीं है। अभी आप टीका लगवाने आए हैं, आपको जरूरी लगता है टीका लगवाना? हाँ जी, जो सारे लोगों ने लगवाया फिर मेरे को भी जरूरी है जी लगवाना, सुरक्षित रहेंगे, दूसरे ने भरोसा करा था हम लोग भी भरोसा करेंगे जी। बिना पहचान पत्र के आपको यहाँ पे लग रहा है, इस बात की संतुष्टि है आप? अपने आप जिनके बुला के लेके आए अभी आ जाओ, कोई गल नहीं, जी पहचान पत्र नहीं है लगेगा आपको, लग जाएगा, उन्होंने हमारी जिम्मेदारी ली है। हाँ जी, ये है गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री पार्क सीलमपुर। आज यहाँ पधारे हैं स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ श्री रंजन मुखर्जी साहब, इसको विज़िट करने आए हैं। यहाँ पर हमने दिव्यांगजन जो हैं उत्तर पूर्वी ज़िले के लिए के
उनके लिए हमने एक एक्सक्लूसिव साइट सेटअप करी है कोविड वैक्सीनेशन के लिए। तो स्टेट कमिश्नर साहब आज उसकी विजिट करने आए हुए हैं और ये साइट 25 मई को शुरू की गई थी। अभी तक यहाँ पर 160 से ज़्यादा दिव्यांगजन का टीकाकरण हो चुका है। इसी स्कूल में अलग जगह पर हमने सेशन साइट क्रिएट करी है। दिल्ली सरकार ने ये प्रावधान किया है कि जिन लोगों के पास किसी भी तरह का कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है, जैसे कि जैन मुनि हैं या जो लोग दूसरे के रैन बसेरे में रहते हैं, उनके लिए भी टीकाकरण का प्रावधान किया गया है। तो उन लोगों के लिए भी अलग स्थल पर इस स्कूल में प्रावधान किया गया है कोविड टीकाकरण का। और कल यहाँ पर करीब 20 जैन मुनियों का टीकाकरण हुआ था इसी सभागार में। हमने एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किए हैं अपने ज़िले में और हमें ये मालूम है कि हमारे ज़िले में डूसिप के 5 रैन बसेरे हैं और साथ ही साथ जो जैन मुनि हैं उनके हमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का कॉन्टैक्ट डिटेल मिल गया था दिल्ली सरकार से। तो जैन मुनियों के लिए हमने उनसे संपर्क किया और डूसिप के शेल्टर होम्स में हमने जाकर जो वहाँ पर इंचार्ज रहते हैं उनका हमने लिस्ट बनवाया और उसी लिस्ट के अनुसार ये टीकाकरण का सिलसिला चल रहा है। जहाँ तक बात रही आईडी प्रूफ की, तो दिल्ली सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक जो इन शेल्टर होम्स के इंचार्ज हैं उनका मोबाइल नंबर, नाम और उनका आईडी प्रूफ यूटिलाइज कर उससे लिंक कर इन लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। ऐसे ही जो जैन मुनि हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनके, उनका आईडी प्रूफ यूज़ करके टीकाकरण किया जा रहा है। ये जो पहल की गई है कि लोगों को ऐसी जगहों से, चाहे वो इस तरह से साधु संत हों, धर्मगुरु हों, जो एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते हैं, उनको भी यहाँ पर टीका लगवाने की व्यवस्था की गई है। उनको लोग लेकर आते हैं और इसका एक छोटी सी प्रक्रिया बस ये है कि लोगों के अगर किसी को रैन बसेरे से लाया गया तो वहाँ के इंचार्ज के पहचान पत्र पर या समाज सेवी संस्था जो उनको लेकर आ रहे हैं उनके पहचान पत्र पर इन लोग को यहाँ पर के टीकाकरण की व्यवस्था जो यहाँ पर की गई है। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। ABP News, आपको रखे आगे।